आज हम लोग कोलकाता का जो डॉक्टर का केस है उस अपडेट के बारे में बात करेंगे कि उस केस में क्या क्या अपडेट हुआ या फिर किसी को पकड़ा नहीं पकड़ा। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है ये खबर आई है। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। ध्रुव राठी, आप लोगों को पता होगा, तो उन्होंने अभी तक कोलकाता का डॉक्टर केस में कोई भी वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्या उनको भी पैसा खिला के मुंह बंद कर दिया गया क्या? मतलब ऐसा हजारों क्वेश्चन निकलना शुरू हो गया। हॉस्पिटल में काफी बड़ा बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था, इसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है। क्या प्रिंसिपल भी उसमें है या फिर कोलकाता का सरकार भी क्या इसके साथ मिला हुआ है क्या? आज का भी जो ये वीडियो है ये भी जस्टिस के लिए मैं बना रहा हूँ, तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। तो दोस्तों, जैसा कि कोलकाता का डॉक्टर का केस तो आप सभी को पता ही है और इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया ही था, आप लोगों ने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग कोलकाता का जो डॉक्टर का केस है उसका अपडेट के बारे में बात करेंगे कि उस केस में क्या क्या अपडेट हुआ या फिर किसी को पकड़ा नहीं पकड़ा, मतलब फुल कहानी को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, अभी फिलहाल कैसा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ब्लॉग, और आज की ब्लॉग शुरू करने से पहले जो कोई भी नया हो मेरा चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिलने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वाला वीडियो पे तो मैंने आप लोगों को कोलकाता का जो रेप केस का स्टोरी था वो फुल बताया था, तो आज हम लोग उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस केस का अपडेट क्या है। तो फिलहाल जैसा कि जो अपडेट है वो केस दोस्तों सीबीआई तक जा चुका है, अभी सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन फिर भी उससे पहले इस केस को बहुत ही ज्यादा दबाने का कोशिश किया गया है, ये आप सभी को पता ही होगा। और जैसे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि देखिए, जब रेप जो हुआ वो रात को हुआ और उनका फैमिली को जो कॉल किया था सुबह किया था लगभग 11 बजे का करीब कि आपका लड़की ने सुसाइड कर लिया बोल के। तो जब उनका फैमिली हॉस्पिटल पे आया तो हॉस्पिटल पे आने का बाद तो 3 घंटा पहले तो उनको मिलने ही नहीं दिया अपना लड़की से, मतलब देखने ही नहीं दिया शक्ल, क्योंकि पूरा मारदार के पूरा हालत खराब था, ये टूटा हुआ था, उसके बाद आंख से खून निकल रहा था, दो पैर पूरा ऐसा करके था। मैंने तो लास्ट वीडियो पे आप लोगों को सब कुछ बताया ही था। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है ये खबर आई है हॉस्पिटल से। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। और उसका बीच में फिर उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, हॉस्पिटल में काम शुरू कर दिया। तो जब एक कॉलेज पे रेप या फिर कोई मर्डर हो जाता है फिर उस जगह पे आप लोग काम कैसे शुरू कर सकते हो, मतलब जो सबूत है उनको दबाने के लिए ये चीज किया गया। और जैसा कि देखिए, जो रेप हुआ या फिर मर्डर हुआ उसको सुसाइड का नाम क्यों दिया गया था हॉस्पिटल का साइड से या फिर कॉलेज का साइड से, ये भी एक सवाल बन के खड़ा होता है। और उसका बाद फिर देखिए, जब अंतिम संस्कार करने के लिए लेके गया तब ऑलरेडी 2 लाश उधर पे था, उनको पेंडिंग में रख के डॉक्टर को उधर पे अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तो ये चीज क्यों, ये भी एक सवाल बन के खड़ा होता है। और उसका बाद फिर जैसा कि देखिए, जिस दिन रेप केस हुआ उसका तुरंत बात आरजीकर कॉलेज का प्रिंसिपल ने रिजाइन दे दिया, और जैसे ही रिजाइन दे दिया तुरंत उनको फिर नेक्स्ट हॉस्पिटल पे फिर प्रिंसिपल का पोस्ट मिल जाता है। ये चीज कैसा, तो क्या प्रिंसिपल का भी हाथ है क्या उस पे, तो ये भी बोल नहीं सकता है। लेकिन चलिए, वो तो सीबीआई अभी बीच में घुस गया है, अभी सीबीआई पूरा इंक्वायरी करेगा तो कौन है बीच में कौन नहीं है या कोलकाता का सरकार भी इन्वॉल्व है क्या उसमें। वरना जैसा कि देखिए, उस हॉस्पिटल पे काफी बड़ा बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था ऐसा भी खबर सुनने को मिल रहा है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, जैसा कि उधर पे पोर्नोग्राफी लुक और भी मतलब काफी बड़ा बड़ा बिजनेस उधर पे चल रहा था, जो कि इलीगल बिजनेस लुक, जो कि उस हॉस्पिटल का अंदर पे इलीगल बिजनेस लुक काफी ज्यादा चल रहा था, ये तो सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं भी जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ बस सोशल मीडिया से सब देख के या कलेक्ट करके मैं बना रहा हूँ, मैं ऑन से तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें ये उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पे तो काफी सारा क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है, क्या प्रिंसिपल भी उसमें है या फिर कोलकाता का सरकार भी क्या इसके साथ मिला हुआ है क्या?
अब क्या है नहीं है वो पूरा चीज तो सीबीआई खोद के निकालेगा ही, क्योंकि फिलहाल सीबीआई का हाथ पे जा चुका है। तो अभी शायद इस केस को सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वरना जैसा कि दिखा हमारा इंडिया पे तो ऐसा काफी सारा केस होते रहता है, क्योंकि हर साल हमें रेप केस के बारे में सुनने को मिलता है। 4 दिन 6 दिन प्रोटेस्ट किया जाता है, उसके बाद केस को क्लोज कर दिया जाता है। तो इस बार जैसा कि देखिए हर एक डॉक्टर इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, और जैसा कि आम इंसान लोग भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बस इसी तरह अगर हर कोई प्रोटेस्ट करते रहेगा तो फिर शायद इसका फैसला इस बार होके रहेगा। और जैसे कि देखिए एक बार अगर फैसला हो जाता है और इसके ऊपर में सख्त से सख्त कोई कानून बन जाता है और जो भी विक्टिम लोग हैं उनको सजा मिल जाता है, तो उसका बाद ये चीज करने के लिए कोई भी इंसान 100 बार सोचेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों इंडिया पे ये चीज करने के लिए कोई नहीं सोचता है, क्योंकि जो इंडिया का जो कानून है उसको शायद कोई डरता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया को कानून को अगर कोई डरता तो ये सब काम तो शायद होता ही नहीं है। तो इसीलिए कानून इसके ऊपर सख्त से सख्त बनना चाहिए और जो विक्टिम लोग हैं उनको सजा मिलना चाहिए। और जैसे कि देखिए और एक चीज बहुत ही ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसे कि ध्रुव राठी आप लोगों को पता होगा, तो उन्होंने अभी तक कोलकाता का डॉक्टर केस में कोई भी वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो मेरा साइड से भी ये एक क्वेश्चन है उनके लिए कि सही है ध्रुव राठी, आप कोलकाता का केस में वीडियो बनाया क्यों नहीं है। तो लेकिन फिर भी चलिए उन्होंने ट्विटर पे तो एक ट्वीट किया था, जैसे कि निर्भया 2 उनको नाम दिया गया था, जो कोलकाता का केस है निर्भया 2 का नाम दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। और जैसे कि देखिए उसका नेक्स्ट डे फिर उन्होंने तुरंत ही उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आ गया कि ध्रुव राठी ने ट्वीट तो किया फिर डिलीट क्यों कर दिया, क्या ध्रुव राठी ने अभी तक वीडियो बनाया क्यों नहीं है, क्या उनको भी पैसा खिला के मुंह बंद कर दिया गया क्या, मतलब ऐसा हजारों क्वेश्चन निकलना शुरू हो गया। लेकिन चलिए फिर उन्होंने अपना सफाई दे दिया ट्विटर पे, फिर अगेन और एक ट्वीट किया, जैसा कि उन्होंने जो ट्वीट डिलीट किया था वो इसलिए किया था कि जो कोलकाता का जो केस हुआ था वो निर्भया 2 नाम देना ये चीज गलत होगा बोल के, बस इसीलिए उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया। बाकी उन्होंने क्यों किया क्यों नहीं किया वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो उन्होंने बोला मैं बस वही आप लोगों को बता रहा हूँ। और जैसे कि देखिए अभी जनता का बहुत ही ज्यादा मतलब एक क्वेश्चन है कि ध्रुव राठी ने अभी तक इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया। और ये सही है ध्रुव राठी, आप एक वीडियो उनके ऊपर बनाना चाहिए और एक वीडियो आना चाहिए, बस ये मैं भी चाहता हूँ और जनता भी चाहता है। और जो लास्ट वीडियो पे तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था जस्टिस के लिए, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जैसा कि देखिए दोस्तों आज का भी जो ये वीडियो है ये भी जस्टिस के लिए मैं बना रहा हूँ, तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और प्लीज आप लोग इस वीडियो को भी दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और उतना ज्यादा लोग इस पर जस्टिस मांग पाएंगे। और फिलहाल जैसे कि देखिए लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दिमापुर उनका साथ में है, जैसा कि बंगाली स्टूडेंट यूनियन तो इसके ऊपर मैं कैंडल मार्च निकाला था, मैंने आप लोगों को बोला था इसमें मैं भी साथ में गया था। लेकिन फिर जैसा कि देखिए कल फिर जो हिंदू समाज है उन्होंने भी कैंडल मार्च निकाला था, फुल रैली किया पूरा कैंडल जला के, मतलब दिमापुर जितना हो सके उन लोगों ने भी घुमा। चलिए उनका भी एक दो फोटेज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी मैंने लास्ट वीडियो में तो आप लोगों को बोला ही था कि एक विक्टिम को तो पकड़ा गया है, तो सिर्फ ये एक इंसान का दोस्तों काम तो है नहीं, तो इसीलिए जितना भी ये केस में मतलब मिला हुआ है सबको अरेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो आरजीखर जो हॉस्पिटल है इसमें काफी ज्यादा केस ऑलरेडी पुराना से चलते आ रहा है, सुनने को मिल रहा है ऐसा सोशल मीडिया से। बाकी एक्चुअली क्या है नहीं है वो तो सीबीआई अभी घुस गया, सीबीआई उसको पूरा क्लियर आउट कर देगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और जितना मुझे मतलब मेरा नॉलेज था बस वही नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे टाइप का तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो अगर मैंने कुछ गलत या कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह जस्टिस वाला ब्लॉग देखने के लिए अपने भाई का चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।